Hey guys, this is Vishnu Solanki and you are watching Step Up Maths. You see, we are starting here chapter number 5 of 12th Mathematics, Continuity and Differentiability. Okay, so aaj se 12th Science ki Maths ki lecture series start ho rahi hai, to aap regular dekhe, theek hai? Sabse pehle ye 5th chapter ka introduction part hum cover kar rahe hain. Continuity, continuity kya hoti hai, kitne iske conditions hoti hai, definition kya hoti hai, ये सब चीजें आज हम इंट्रोडक्शन में कवर करेंगे. दिस इज नेम ऑफ चैप्टर. ओके, सबसे पहले ये कंटिन्यूटी क्या होता है, तो डेफिनेशन देने से बजाय डायरेक्टली ये एग्जांपल से स्टार्ट करें. लेट्स टेक एग्जांपल. एक एग्जांपल देता हूं. ओके, हमें हमारे पास एक फंक्शन है. वी हैव फंक्शन, फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ एक्स 1 and 2. Okay, so now we have a function जिसमें उसकी वैल्यू 1 तभी होगी जब x की वैल्यू 0 से कम या 0 के बराबर हो. अगर x की वैल्यू इक्वल टू 0 हो या 0 से कम हो तब फंक्शन 1 होता है, और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तब हमारा फंक्शन होता है 2. अब ये कंटिन्यूटी को डिफाइन करने के लिए इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझे इसका. चलो ये ग्राफ बना दिया हमने, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. हियर इज अ x, x डैश, y, y डैश. ओके, तो दो तरह के, चलो मैं यहां पे एक 0 ले लेता हूं. दिस इज 0. दो अलग अलग प्लेन है हमारे पास, एक 0 से बड़ा पॉजिटिव, एक 0 से छोटा नेगेटिव. दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. ओके, क्या बोल रहा है, एक्स 0 से इक्वल या तो छोटा हो. इक्वल या तो छोटा मतलब के 0 से छोटी चीज यहां पे आती है, तब वैल्यू क्या होती है, 1. चलो मैं डिफाइन कर देता हूं 1 को. ये 1 है. 1 मतलब मैं यहां पे एक 1 यूनिट कंसीडर कर रहा हूं. ये डॉट को मैंने डार्क क्यों किया, क्योंकि 0 के इक्वल भी है और 0 से छोटी भी है ये x की वैल्यू, तभी ये फंक्शन होता है हमारा 1. तो ये 1 होता है तभी जब 0 पे भी है और 0 से छोटी भी है वैल्यू, ठीक है, तभी ये 1 होता है. नाउ नेक्स्ट, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, 0 से बड़ी मतलब राइट हैंड साइड ये प्लेन में, तब वैल्यू होती है 2, नॉट इक्वल टू 0, 0 से सिर्फ बड़ी. ओके, ये यूनिट है 2. ओके, ये यूनिट है 2. ये ग्राफ के ऊपर से क्या समझ में आ रहा है, देखो मैंने क्या समझा है, 1 या मैंने क्यों लिखा 1 तभी वैल्यू होती है, फंक्शन की वैल्यू 1 तभी होती है जब x की वैल्यू 0 या 0 से छोटी हो. तो 0 0 इंक्लूड हो रहा है तो मैंने यहां पे डार्क डॉट किया है, तो 0 0 इंक्लूड हो रहा है तो मैंने यहां पे डार्क डॉट किया है. अब यह 2 तभी होती है तब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, तो यहां मैंने डार्क डॉट नहीं किया है. अब ये ग्राफ में हम कंटिन्यूटी तभी डिफाइन कर पाएंगे जब 0 से कम, 0 से ज्यादा और 0 पे, तीनों जगह पे आप कंटिन्यूटी को डिफाइन एग्जैक्टली कर पाओ. चलो मैं लिखूं, मैं 0 की बात कर रहा हूं, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0. अब एक लिखने का एक फॉर्म है, फॉर्म क्या, अगर मैं 0 से कम बात कर रहा हूं, अगर मैं 0 के लेफ्ट हैंड साइड बात कर रहा हूं तो मैं यहां पे पुट करूंगा नेगेटिव माइनस. अब मैं जब 0 माइनस कहूं, दैट डोंट मीन कि वो माइनस 0 है, वो ये बताता है कि वो लेफ्ट हैंड साइड की हम बात कर रहे हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव मीन्स हम लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं. फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव. पॉजिटिव मतलब हम किस साइड की बात कर रहे हैं, राइट हैंड साइड की. fx इज इक्वल टू f 0 होना चाहिए.
ये अच्छे से लिख लेना, ये क्या बताता है? कंटिन्यूटी हम कब डिफाइन कर पाए? जब यहां पे आती हुई चीज है, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और एग्जैक्टली यहां जीरो पे, तीनों जगह पे आपकी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो, तीनों जगह पे, तो ही आप उसको कंटिन्यूटी बना पाओगे, तो ही वो कंटिन्यूस बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन, राइट हैंड साइड पे फंक्शन, वो एग्जैक्टली होना चाहिए एफ जीरो के बराबर, एफ इंटू फंक्शन ऑफ जीरो के बराबर। ओके, और एक डेफिनेशन इसमें है कि जब भी आप ग्राफ बनाओ, वेन एवर यू ड्रॉ एनी ग्राफ, तब आपको अगर आपका चौक, आपका पेन लिफ्ट करना पड़ता है, उठाना पड़ता है, आप उसको वन स्ट्रोक में नहीं बना सकते, तो वो कंटिन्यूस नहीं होता है। देखो आप देख रहे हो, मैं ये ग्राफ बना रहा हूं, मुझे चौक उठाना पड़ा दूसरा ग्राफ बनाने के लिए, दूसरी लाइन बनाने के लिए, आई जस्ट लिफ्ट इट। ओके, तो ये कंटिन्यूस नहीं है, ये एक रैंडम डेफिनेशन है। तो इतना आपने समझा। देखो आई थिंक ये एग्जाम्पल में से आप लोगों ने 100 में से 40% आपने समझ लिया है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं वो तीनों इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। यही दो पॉइंट रखते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। मैं लिखता हूं एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो। लेट्स ड्रॉ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, चलो यहां है वाई, वाई डैश, एक्स डैश, एक्स डैश रिप्रेजेंट नेगेटिव। ओके, वन तभी होता है जब वो जीरो पे नहीं है। जीरो पे नहीं है मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, बट जीरो पे नहीं होना चाहिए। ये जीरो वाली लाइन है। तो आपने देखा, ये मैंने ग्राफ बनाया, ये मैंने ग्राफ बनाया। देखो पॉजिटिव हो सकती है वैल्यू, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो पे नहीं है क्योंकि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब टू कब होता है? जब वो एग्जैक्टली जीरो पे ही होना चाहिए, जब वो जीरो पे ही होना चाहिए, ना तो लेफ्ट ना तो राइट। एग्जैक्टली अगर एक्स की वैल्यू जीरो होती है तो ये डेफिनेशन दे ही दिया है ना, ये आपको क्या बता रहा है? एग्जैक्टली एफ जीरो इज इक्वल टू टू बता रहा है। अगर मैं फंक्शन में जीरो पुट करूं तो मेरा आंसर टू आएगा, ये बता रहा है। तो वो एग्जैक्टली एक ही डॉट आएगा जीरो पे, ना तो लेफ्ट ना तो राइट, क्योंकि यहां पे कुछ वैल्यू है ही नहीं, एक ही फिक्स वैल्यू है, दैट इज जीरो। ये ग्राफ बनाया, यहां पे कुछ वैल्यू है ही नहीं, एक ही फिक्स वैल्यू है, दैट इज जीरो। ये ग्राफ बनाया मैंने, अगेन ग्राफ बनाने में मुझे चौक लिफ्ट करना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है, एक ही स्ट्रोक में नहीं बन रहा है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और ये जो जो लाइन पे हम चेक कर रहे हैं वो इक्वल नहीं हो रही है, तो ये कंटिन्यूस होगा नहीं। अब कंटिन्यूटी की दो अलग अलग डेफिनेशन है और दोनों डेफिनेशन में हम अलग अलग एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। एक्चुअली आपको दोनों डेफिनेशन पढ़नी है और अलग अलग थियोरम्स पढ़ेंगे। तो अभी थोड़ा आपने रैंडम ओवरव्यू ले लिया है, अभी हम डेफिनेशन देखें। नाउ दिस इज अवर डेफिनेशन वन, डेफिनेशन वन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है? सपोज एफ इज अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स एंड लेट सी बी अ पॉइंट ऑन अ डोमेन ऑफ एफ, देन एफ इज अ कंटिन्यूस एट सी। इफ अगर सी एक पॉइंट है, सबसे पहले एफ तो एक फंक्शन है, रियल फंक्शन, एक सी एक पॉइंट है जो एफ के डोमेन में है, एफ के ऑलरेडी डोमेन में है, तो हम एफ को कंटिन्यूस कह सकते हैं तभी जब एफ का जो फंक्शन है एक्स टेंस टू सी, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर फंक्शन ऑफ सी हो जाए। देखो ये इतना सिंपल नहीं है। जब मैं एक पॉइंट की बात कर रहा हूं, जैसे पहले हम बात कर रहे थे जीरो की, जीरो से कम जीरो से ज्यादा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, अभी इधर हम चेक कर रहे हैं सी पे। देखा आप सी पे चेक कर रहे हैं,
तो सी की भी दो अलग अलग साइड होगी। हम लेते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, फंक्शन वो इक्वल होना चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पॉजिटिव, मतलब उसकी राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए, और जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं वो भी इक्वल होना चाहिए। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन होगी उसकी। देखा, लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन, राइट हैंड साइड पे फंक्शन, वो जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, जैसे जैसे कि हम लेट सपोज वी आर टेकिंग नंबर फाइव, तो फाइव के लेफ्ट हैंड साइड वाले के वाले वहां पे डेफिनेशन चेक करनी है, राइट हैंड साइड पे डेफिनेशन चेक करनी है, और फाइव पे चेक करनी है। अगर वो तीनों इक्वल होते हैं तो ही हम उसको कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूस है। एक एग्जांपल लें तो ये एक मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मतलब ये हर जगह पे आपको क्या दिख रही है, सेम दिख रही है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल हम दोनों डेफिनेशन से सोल्व करेंगे। एग्जैक्टली हमने अभी एक ही डेफिनेशन पढ़ी है, तो ये डेफिनेशन का एक एग्जांपल लें, फिर दूसरी डेफिनेशन लेंगे कंटिन्यूटी की, वो एडवांस डेफिनेशन है, उससे भी वही एग्जांपल हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा क्लियर हो जाए आपका। सो नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज अवर फर्स्ट एग्जांपल। ओके, दिस इज अवर फंक्शन 2x + 3 2x - 3, और उसकी एग्जैक्ट हमें लिमिट्स दी हुई है। क्या है, अगर दो या दो से छोटा है, x की वैल्यू 2 या 2 से कम है, देन अवर फंक्शन इज 2x + 3। अगर x के वैल्यू 2 से ज्यादा है तो फंक्शन है 2x - 3। दैट मींस हमें 2 पे चेक करना है, हमें 2 पे चेक करना है, या क्या है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी के सारे पॉइंट हमें बताना है। 2 इज अ मेन पॉइंट, जैसे पहले c था उससे पहले 0 था, यहां पे 2 मेन पॉइंट है, तो हम तीन हमारी कंडीशन अप्लाई करेंगे यहां पे। लिमिट x टेंड्स टू 2 के लेफ्ट हैंड साइड, मतलब 2 के नेगेटिव पार्ट को हम चेक करेंगे, 2 से कम वाले पार्ट को चेक करेंगे, वो इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, मतलब 2 के राइट हैंड साइड, 2 के पॉजिटिव वाले पार्ट को चेक करेंगे, वो इक्वल होना चाहिए एफ टू के, मतलब जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं उसके ये इक्वल होना चाहिए, तो ही हम बोल सकेंगे ये तीनों अगर इक्वल आता है तो ही हम बोल सकेंगे कि ये कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं। सबसे पहले तो एफ टू, चलो चेक कर, एफ टू क्या होगा आप बताओ। एफ टू एग्जैक्टली 2 कहां पे आता है, 2 इक्वल टू कहां पे आता है, कौन से फंक्शन पे, 2x + 3 के। पर वी आर टॉकिंग अबाउट 2, तो यहां पे x की जगह 2 रखा हुआ है, मतलब जहां x रहेगा वहां हमें पुट करना पड़ेगा यहां पे 2, 2 2 4 + 3 7। ओके, तीनों की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, एक की हमने कर ली, चलो अब लेफ्ट हैंड साइड की करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव fx। देखो एक चीज समझो, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं, एक फंक्शन है हमारे पास, तो अगर हम दूसरी डेफिनेशन से उसको सोल्व कर रहे हैं, अगर आई एम अप्लाइंग हियर माय डेफिनेशन सेकंड, तो आई जस्ट सपोज हियर x, आई जस्ट सपोज हियर c, मैं पार्ट वहां पे चूज करूंगा, बट यहां ऐसा नहीं है, मैं लिमिट को कन्वर्ट कर दे रहा हूं h टेंड्स टू 0 में। सपोज h एक छोटा पार्ट है, एक छोटा नंबर है, एकदम 0 point something, तो फंक्शन क्या होगा, ये होगा। अब ऐसा क्यों, देखो नेगेटिव है मतलब हम बात कर रहे हैं 2 से कम वालों की, 2 से कम यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की, h की वैल्यू एकदम स्मॉलर, एकदम छोटा नंबर है, तो 2 से मैं एकदम छोटा नंबर निकाल रहा हूं पॉइंट में कुछ भी, तो वो बात तो हो रही है लेफ्ट हैंड साइड की हो रही है ना, जस्ट मैंने लिमिट को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, तो फंक्शन भी उस अकॉर्डिंग टू चेंज हो गया, 11th में आई थिंक आ गया आपको। सुना क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब तो यहां पे फंक्शन f 2 - h, लेफ्ट हैंड साइड की बात हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि 2 से कम, 2 से कम,
यानी कि 2x प्लस 3। अब यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका आंसर क्या आएगा? अगर f x 2x प्लस 3 है तो f 2h माइनस 2 माइनस h क्या होता है? तो जहां x दिखता है वहां आपको पुट करना होता है 2 माइनस h प्लस 3। सी क्या किया है मैंने? कुछ नहीं किया है, जस्ट ये f 2 माइनस h की वैल्यू फाइंड की और ये चीज को मैंने वो फंक्शन में डाला है जो 2 से कम है, जो लेफ्ट हैंड साइड के लिए अप्लाई हो रहा है। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? 2 जा लिमिट, एक्चुअली ये सब स्टेप्स आपने नहीं लिखने होते हैं, आपको जस्ट डायरेक्टली आंसर लिखना होता है। 2 जा 4, 2 इंटू एच 2 एच प्लस 3। ओके, अगर मैं h की वैल्यू अब यहां लिमिट अप्लाई करूं तो ये पार्ट हो जाएगा 0, 4 प्लस 3 वेर आंसर इज 7। ओके, तो दो चीज हमने की यहां पे, ये पार्ट क्लियर, इसका आंसर आ रहा है 7, इतना हमें याद रखना है। एक्चुअली वी डोंट हैव स्पेस, सो आई एम रबिट। ओके, दो चीजें हमने चेक कर ली, अब राइट हैंड साइड चेक करें। लिमिट टू पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, अब मैं क्या करूंगा, अगेन मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं h टेंड्स टू 0 में, h की वैल्यू एकदम स्मॉलेस्ट है और 2 से बड़ी बात हो रही है, ज्यादा की बात हो रही है, तो यहां पे ऑब्वियसली आ जाएगा 2 प्लस h, h इज अ स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट आई एम एडिंग इन टू, राइट, जैसे कि पहले मैं सबट्रैक्ट कर रहा था ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, ये वही फंक्शन में डालोगे, वही फंक्शन में डालना जो फंक्शन रिप्रेजेंट करता है 2 से ज्यादा वैल्यू को। 2 से ज्यादा के लिए फंक्शन क्या है? 2x माइनस 3, तो वहां x की जगह पे आपको डालना पड़ेगा 2 प्लस h माइनस 3। ओके, सोल्व करें, 2 जा 4, 2 इंटू एच 2h माइनस 3 माइनस 3, अब लिमिट की वैल्यू में अगर यहां पुट कर दूं तो 4 माइनस 3 हमारा आंसर आएगा 1, जो इक्वल नहीं है 7 के, मतलब के लेफ्ट हैंड साइड इज एक्चुअली नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसकी तो बात ही नहीं होती। अगर मैं कहूं कि लिमिट, यहां बात हो रही थी x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, तो 2 पे तो चेक करने की बात ही नहीं बनती, इस पे चेक करने की, ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस हुआ नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल लिया हमने सिंपल डेफिनेशन 1 समझने के लिए, अब डेफिनेशन 2 समझे वो क्या कहती है, उसका एक एग्जाम्पल ले। सो नाउ दिस इज अवर सेकंड डेफिनेशन। सो यहां पे मैंने लिखा है इट इज द एलैबोरेशन ऑफ डेफिनेशन 1। एलैबोरेशन ऑफ डेफिनेशन 1 थोड़ा मॉडिफिकेशन है, क्या है देखो, इफ एफ इज डिफाइंड एट 1 पॉइंट इट इज कंटिन्यूस देयर, एग्जाम्पल इफ द डोमेन ऑफ एफ सी की बात कर रहे हैं, डोमेन ऑफ एफ इज अ सिंगल टर्न देन एफ इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। देखो यहां पे ये लोग एफ के जो डोमेन है जिसको हम सी कहते हैं, अगर वो सिंगल टर्न है इंस्टेड ऑफ 2 नंबर्स 3 नंबर्स, चलो एक एग्जाम्पल है एफ एक क्लोज इंटरवल के पास है, एफ इज अ फंक्शन ऑफ दिस क्लोज इंटरवल ए बी, ये उसका एक क्लोज इंटरवल है, तो इसका अगर उसको कंटिन्यूस बनना है इसका मतलब इसको ए और बी के बीच में और ए और बी पे सब जगह पे उसको कंटिन्यूस रहना पड़ेगा, उसको ए से बड़ा बी से छोटा यानी कि ए और बी के इंटरमीडिएट बीच में और ए और बी पे भी उसको क्या रहना पड़ेगा, कंटिन्यूस रहना पड़ेगा, तो ही एक फंक्शन की बात चल रही है, तो ही वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस कहलाएगा। तो चलो वो एक चीज पे लिखें, लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब देखो यहां पे एग्जैक्टली बात क्या हो रही है, यहां पे ए और बी वो दोनों एग्जैक्टली
क्लोज इंटरवल है, इन दोनों के बीच वाला टर्म मतलब ए से बड़ा, यानी ए से बड़ा मतलब ए प्लस राइट हैंड साइड, ये जो फंक्शन है वो इक्वल होना चाहिए फंक्शन ऑफ ए के। सेम लिमिट एक्स टेंड्स टू बी से कम, यानी कि बी नेगेटिव, वो फंक्शन एग्जैक्ट होना चाहिए एफ बी के। दिस नॉट मेक सेंस, वो ये बोल रहे हैं कि इस तरह से कैलकुलेशन करना वो कोई मेक सेंस नहीं है। इसकी जगह पे ऐसे दो तीन इंटरवल ले, वो इसकी जगह पे एक सिंगल टर्न डोमेन कंसीडर कर रहे हैं। एक सिंगल टर्न डोमेन मतलब कि एक एक ही डोमेन जो एफ का हो, और अगर वो आपका कंटिन्यूस हो जाए, वो आपका कंटिन्यूस हो जाए तो फंक्शन ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस हो जाता है। मतलब उसको सिंगल टर्न डोमेन को एक्चुअली ये लोग कंसीडर कर रहे हैं। सी एफ सी लेट सी इज अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, अगर उसको आप कंटिन्यूस कर पाए, मतलब सी कंटिन्यूस कब होगा, जब मैं बात करूं सी चलो जीरो से छोटा है, सी जीरो से बड़ा है एंड सी इक्वल टू जीरो है। ये तीन अलग अलग आपको केस कंसीडर करना है यहां पे। ये तीनों केस अगर आप सेटिस्फाई कर लेते हो, तीनों केस में कंटिन्यूस आता है तो आपका पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूस है। देखो ये जो पुराना एग्जांपल था वही हम सोल्व करेंगे बाय डेफिनेशन टू से, आपको इजी लगेगा। ओके नाउ द सेम एग्जांपल वी विल सोल्व बाय डेफिनेशन टू। जैसे मैंने बोला यहां पे आपको तीन अलग अलग केस कंसिडर करने होंगे। देखो सेम एग्जांपल है, कुछ नहीं है, फंक्शन 2x प्लस 3 तभी होगा जब x की वैल्यू x या 2 से छोटी होगी। ओके तो तीन अलग अलग केस करें। जैसे मैंने बात की थी सी थी, सी इज अ लेट सी इज अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ x। सबसे पहले केस वन, चलो मैं c की वैल्यू 2 से छोटी कंसीडर कर रहा हूं। ये द वैल्यू ऑफ c इज स्मॉलर देन 2, कहां पे ये दिख रहा है, लेट सी बी एन रियल नंबर, ये कहां पे दिख रहा है, ऐसा कंडीशन यहां पे, यू सी यहां पे। अब यहां पे आपको चेक करना है, डेफिनेशन चेक करनी है, एफ सी क्या होगा, एफ सी मीन्स फंक्शन ऑफ सी। तो आप जानते हो एक्स की जगह आपको सी पुट करना होता है, तो आपका क्या आया, टू सी प्लस 3। नाउ अब हम यहां पे चेक करते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स। ओके लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स क्या है, बात हो रही है टू से छोटी की, तो टू से छोटी की तो एफ एक्स उसके लिए क्या है, 2x प्लस 3। ओके सो नाउ x की जगह हम यहां पे c पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आया, 2c प्लस 3। नाउ सी ये दोनों एग्जैक्टली इन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, मतलब मैं उसको लिख सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इज हियर डायरेक्टली इक्वल टू द एफ सी। तो ये द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट लेस देन 2, 2 से अगर c की वैल्यू कम है तो उसके लिए फंक्शन यहां पे क्या हुआ, कंटिन्यूस हुआ उसके लिए। देखो ये सिर्फ पूरे एग्जाम्पल की बात नहीं हुई है, मैं 2 की बात कर रहा हूं तो यहां पे तीनों जगह पे चेक करना होता है, 2 से कम, 2 से ज्यादा एंड 2 पे, ठीक है, तीनों जगह पे चेक करना होता है। हमारा यहां पे फाइनल हो गया, यहां पे हमने कर लिया चेक, यहां पे वो क्या हुआ, कंटिन्यूस हुआ। चलो अब हम चेक करते हैं सेकंड केस, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 2 से बड़ा मतलब यहां पे, ठीक है, सेम एफ सी क्या होगा उसके लिए, एफ सी मीन्स सी की वैल्यू यहां रखनी होगी 2 से बड़ा, 2c माइनस 3। ओके नाउ अब चेक करता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स लिखना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी
द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू यहां पे क्या है 2x-3। अब c की वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो हमारा आंसर आएगा 2c-3, दैट इज एग्जैक्टली सेम टू द एफ सी। हियर इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, यहां पे भी वो क्या है कंटिन्यूअस है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्लियर, दोनों केस क्लियर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टू, अब टू पे चेक करना है। देखो यार यहां पे जो मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूं, एक्चुअली डेफिनेशन टू ही आपको याद रखना है, डेफिनेशन वन इज आउटडेटेड, उससे एग्जाम्पल सोल्व नहीं करना है, यही डेफिनेशन याद रखनी है और इसी से सोल्व करना है और यही मेथड सब में अप्लाई होगी, यही लॉजिक अप्लाई होगा, दिस इज वेरी सिंपल। अब दो जगह हो गया, अब टू पे चेक करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर आपका कंटिन्यूअस हो जाता है ना तो आपका पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। यहां पे आपको दो अलग अलग पार्ट लेने हैं, वही पुरानी वाली मेथड, कौन सा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दो से कम दो से ज्यादा, वैसे यार पे कंसीडर करना है, दोनों इक्वल आना चाहिए यहां पे। चलो मैं यहां पे लेता हूं लिमिट x टेंड्स टू टू नेगेटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू टू नेगेटिव एफ एक्स, टू नेगेटिव एफ एक्स मीन्स क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू टू नेगेटिव द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स टू नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड दो से कम, दो से कम यानी कि 2x+3। ओके नाउ टू की वैल्यू यहां पुट करनी पड़ेगी, 2 × 4+3 आवर आंसर इज 7, यहां पे 7 आया। चलो देखो ये दो जगह पे तो क्लियर हो गया है, अब हम यहां पे देख रहे हैं टू पे। देखो जब कम और ज्यादा, लेस देन साइन, लेस देन एंड मोर देन जब चेक कर रहे हो तब सिंपल एक ही कंडीशन आपको देखना है कि एफ सी के बराबर लिमिट फंक्शन ऑफ एक्स होता है या नहीं। यहां पे आपको दोनों चेक करना पड़ेगा, जब इक्वल टू लगाते हो तब, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू पॉजिटिव मीन्स राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मीन टू से बड़ा, टू से बड़ा मीन्स 2x-3। नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन दिस फंक्शन एंड 2 × 2-3 एंड योर आंसर इज 1 नॉट अ 7। योर आंसर इज 1 नॉट अ 7। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों केस में से एक केस फेल हो गया, एक केस कंटिन्यूअस नहीं है, तो ये पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। देखो बच्चों तीनों केस आपको वाइस वर्सा लगाने हैं, केस 1, केस 2, केस 3, तीनों अगर आपका कंटिन्यूअस हो जाता है ठीक है तो ही आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, फर्स्ट लेक्चर सीरीज में इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे के सारे एग्जांपल कवर करूं, सेकंड लेक्चर सीरीज में हम बहुत सारे एग्जांपल करेंगे जो अभी थोड़े टाइम में आ जाएगी। अभी सिर्फ हम फंडा क्लियर कर रहे हैं कंटिन्यूटी क्या होता है, दिस ऑल द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन नॉट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नहीं है ठीक है। तो ये डेफिनेशन टू के एग्जाम्पल हुआ, अब और नेक्स्ट टॉपिक पढ़े। नाउ वी आर स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स अनंत, जिसको को हम नो डिफाइन, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, नेगेटिव भी हो सकती है पॉजिटिव भी हो सकती है। ओके आई एम सॉरी, सो नाउ हियर लेट अज्यूम अ फंक्शन। चलो एक फंक्शन अज्यूम करें इन्फिनिटी को डिफाइन करने, फंक्शन इज इक्वल टू 1/x। हियर यू हैव टू टेक एक्स नियर अबाउट जीरो, नियर अबाउट अगर मैं x की वैल्यू जीरो ले लेता हूं तो वो इन्फिनिटी हो जाती है ठीक है। तो देखो एफ एक्स को आप y बोलते हो ठीक है, ये तो आप कॉन्सेप्ट 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, क्या बोलते हो y। तो मैं एक यहां पे एक छोटा सा टेबल बनाता हूं, x की अलग अलग वैल्यू सपोज करूंगा और y की अलग अलग वैल्यू को मैं डिफाइन करूंगा। लेट सपोज x की वैल्यू यहां पर मैं ले लेता हूं 1, तो 1/1 y की वैल्यू आती है 1। चलो मैं 1 से थोड़ी छोटी लेता हूं यानी कि 0.5, तो यहां 0.5 आया तो 1/0.5 ये अगर यहां मैं 0 को निकाल दूं तो यहां 10 लग जाएगा तो यह आया 2, उससे थोड़ी छोटी ले 0.1 यानी कि 10^-1 तो ये आएगा 10^-1। चलो और छोटी 10^-4 तो ये आएगा 10^4 मतलब कितना होता है 4 जीरो 10 के पास में 10,000।
चलो मैं लेता हूं 10 रेस्ट टू माइनस एन, माइनस एन कोई भी नंबर, बड़ा नंबर, तो ये आता है कोई भी बड़ा नंबर। क्या समझ में आ रहा है टेबल में से, कि मैं जैसे ही x की वैल्यू जीरो के तरफ लेके जाता हूं, जीरो के तरफ बढ़ा रहा हूं, उसको छोटी कर रहा हूं, तो वैसे ही मुझे y की वैल्यू, वैसे ही मुझे फंक्शन की वैल्यू बहुत बड़ी मिल रही है। लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, जीरो प्लस क्योंकि दिस ऑल आर द पॉजिटिव, जीरो के प्लस फंक्शन मैं लूंगा जीरो की तरफ, मैं टेंड्स टू जीरो, जीरो की तरफ बढ़ा रहा हूं, तो मुझे आंसर मिल रहा है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब के अनंत, आप जिसको आप कुछ नोडिफाइड डिफाइन नहीं कर सकते, बहुत बड़ा। तो ये तो पॉजिटिव बात हुई, वैसे ही मैं नेगेटिव लिख सकता हूं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, इट विल गेट योर माइनस इन्फिनिटी। ओके, तो क्या समझ में आया इसके ऊपर से, एक ही चीज कि डिनोमिनेटर में वैल्यू जैसे ही छोटी करते जाते हो, जीरो नियर अबाउट जीरो लेके जाते हो, तो आंसर नियर अबाउट इन्फिनिटी मिलता है फंक्शन का। ठीक है, तो आंसर नियर अबाउट इन्फिनिटी मिलता है फंक्शन का। ठीक है, सो इट्स एंड ऑफ टॉपिक, नाउ नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ टुडे आवर लास्ट टॉपिक इज एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। देखो ये सारे के सारे टॉपिक्स मैंने जो कवर किए हैं, ये लेक्चर सीरीज जो हो रही है वो सीबीएसई कोर्स की है, तो आपको अगर आप सीबीएसई कोर्स में हो तो ही आपको ये पूरा फॉलो करना है। एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन एंड थ्योरम वन क्या कहता है ये, सबसे पहले तो ये चीजें के बारे में समझे। सपोज एफ एंड जी बी ए टू रियल फंक्शन, एफ और जी एक रियल फंक्शन है, एंड द फंक्शन कंटिन्यूस एट रियल नंबर सी। आपको पता है सी क्या है, सी एक्चुअली एक पॉइंट है, एक नंबर है उसके डोमेन का, जिसपे वो अगर कंटिन्यूस हो रहे हैं। एफ और जी एक रियल फंक्शन है जो कंटिन्यूस हो रहे हैं, कहां पे, सी पे। तो ये थ्योरम वन ये कहता है कि ये चारों कंडीशन अप्लाई होती है, कि एफ प्लस जी भी कंटिन्यूस होता है सी पे, एफ माइनस जी भी कंटिन्यूस होता है सी पे, एफ डॉट जी मल्टीप्लाई वो भी कंटिन्यूस होता है सी पे, और एफ डिवाइड बाय जी भी कंटिन्यूस होता है सी पे। ये थ्योरम वन ये कहता है। देखो आपको एक नोट बना लेनी है, नोट्स बनाओ, लिखो ये सब, क्योंकि अभी ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट है, आपके लिए बहुत काम आएगा, एग्जाम्पल्स हम बाद में सोल्व करेंगे। तो ये चारों कोई चारों चीजें हैं, उसमें से चलो इसको हम प्रूव करते हैं, लेट्स प्रूव, इसको हम प्रूव करें। लेट्स टेक अ लुक ऑफ किसकी बात कर रहे हैं, एफ प्लस जी एट एक्स इज इक्वल टू सी बात कर रहे हैं। ओके चलो, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी, ओके बात कर रहे थे एफ प्लस जी की इन द फंक्शन ऑफ एक्स, इन द फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स इज जस्ट अ वेरिएबल। अगर मैं एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, लिमिट मतलब यहां हम सेपरेटली एक्स को अप्लाई करवा रहे हैं यहां पे, तो क्या होगा, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज फंक्शन ऑफ जी, एफ इज अ फंक्शन ऑफ एफ, जी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स। अब ये जो लिमिट है मैं दोनों को देऊं, दोनों को, देखो ये लिमिट का एक रूल है कि हमें लिमिट स्प्लिट करनी होती है, हम यहां पे एफ एक्स को दें प्लस लिमिट हम दें जी एक्स को भी, तो क्या होगा यहां पे, एक्चुअली आई एम सॉरी, इट्स जस्ट अ ब्रेक बिकॉज ऑफ नमाज। ओके लेट्स कंटिन्यू, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स, सो नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ सी हियर, इट विल बिकम एफ सी प्लस सिमिलरली यहां पे क्या होगा जी सी। अगर हम सी को यहां कॉमन ले लें तो हमारा आंसर क्या आया, एफ प्लस जी। समझ में आ रहा है, सिंपल एक चीज, एक्स टेंड्स टू सी
एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी हो जाता है, ये एक रूल है ना कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी हो जाता है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सी हो जाता है, तो ऑब्वियसली वो आपका कंटिन्यूस है कहां पे, सी पे। तो ये एक प्रूफ हुआ, बेसिक प्रूफ हुआ आपके थ्योरम वन का। सो आज का इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है आपका। आपको इसके नोट्स बना लेने हैं। चैप्टर नंबर 5 हम रेगुलरली सीरीज 1 चालू कर रहे हैं, कम से कम 8 या 7 या 8 लेक्चर सीरीज में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है। आपको रेगुलरली देखना है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।